हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो का थंबनेल आपने देखा कि अगर आपका सीएससीआईडी है, आप सीएससीआईडी यूज करते हो तो 15 जनवरी से पहले केवाईसी आपको अपडेट कर लेना है, नहीं तो आपका सीएससीआईडी जो ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथ में इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आपका डीओबी चेंज करना है या फिर ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, जो आपका सीएससी अकाउंट है, सीएससी का जो आईडी है उसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, अपना डीओबी वो भी चेंज करना चाहते हो, इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिल जाएगा। अभी हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। और ये मैंडेटरी है, आप पहले जानते होंगे, कुछ दिन पहले, लगभग 2-4 दिन पहले आप देखे होंगे केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा था, कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा था, लेकिन ये फिलहाल अभी चालू कर दिया गया है कल के डेट से। तो ये अभी आप केवाईसी कर ले, नहीं तो हो सकता है 15 जनवरी, जैसे कि बताया जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद आपका सीएससीआईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आप केवाईसी नहीं करते हो तो। और साथ में और एक अपडेट बता दे, अगर आप डीजी पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो और रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो केवाईसी आपको कर लेना है। केवाईसी जैसे ही सक्सेस हो जाएगा उसके बाद डीजी पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं किए हो तो होगा क्या, आपका डीजी पे भी नहीं चलेगा, आप रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाओगे। तो चलिए पूरी डिटेल्स में दिखाते हैं आपको लाइव करके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी बता देना चाहता है, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलते रहेगा। साथ में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पर registered.csc.gov.in में। यहाँ पर आपको आके माय अकाउंट में आपको सबसे पहले क्लिक करना है। माय अकाउंट में क्लिक करने के बाद आपको अपना सीएससीआईडी डालना है, जो भी आपका सीएससीआईडी है डाल दीजिएगा। फिर अपना यहाँ एक जो कैप्चर दिख रहा है वो कैप्चर आपको डालना है। ध्यान रहे, अगर आप केवाईसी कंप्लीट करोगे तो आपके पास एक मोरफो मंत्रा कोई भी डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपका फिंगरप्रिंट्स मांगा जाएगा। तो चलिए ये सब डालने के बाद आप एक्सेप्ट में क्लिक करोगे, सबमिट में क्लिक करोगे। सबमिट में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में, ठीक है, डीजीमेल में नहीं, ईमेल आईडी में एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ आपको देना है, ये कैप्चर देना है। तो चलिए हम पहले कैप्चर डाल देते हैं, फिर देखते हैं ओटीपी आने के बाद ओटीपी भी डाल देते हैं। अब चलिए ईमेल में ओटीपी भी आ चुका है, मोबाइल देख लेते हैं कितना आया है ओटीपी, 26923 डाल दिए ओटीपी। अब यहाँ आपको सिर्फ वैलिडेट में क्लिक करना है, उससे पहले आपको आई कंफर्म में क्लिक करना है, फिर वैलिडेट में क्लिक करोगे। अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है, ईमेल आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो, आप अपना मतलब मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो, डीओबी भी चेंज कर सकते हो। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मोबाइल नंबर कैसे चेंज करोगे और केवाईसी कैसे, आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे मेरा मोरफो का फिंगरप्रिंट्स लगा हुआ है, तो यहाँ शो कर दिया है। यहाँ पर हम चेक में क्लिक करेंगे और यहाँ कैप्चा में क्लिक करेंगे, आपका मोरफो जल जाएगा, लाइट देने लगेगा, आप लाइट अपना फिंगरप्रिंट लगाओगे, ये लॉगिन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कब तक ये लॉगिन हो रहा है। ये देखिए यहाँ बोल रहा है कि टाइम आउट, बोल रहा है आपका कैप्चर नहीं कर पाया, फिर से ट्राई करो। तो हम फिर से यहाँ स्टार्ट कैप्चर में क्लिक करते हैं और देखते हैं। ये मेरा एक दोस्त का आईडी है, उसका केवाईसी कम्प्लीट करेंगे, साथ में उसका मोबाइल नंबर भी खो गया है, तो मोबाइल नंबर भी अपडेट कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, आप पहले 2-4 दिन पहले या 10 दिन पहले यहाँ लॉगिन किए होंगे तो वहाँ आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा था कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करेंगे या फिर जो भी है ईमेल आईडी वगैरह कैसे अब चेंज करना है। और साथ में वहाँ फॉरगेट का ऑप्शन भी नहीं रहा था, मान लो अपना डीजीमेल का पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लॉगिन होने के बाद यहाँ देखिए एक मोबाइल नंबर शो कर रहा है, ये मोबाइल नंबर लगभग 1.5 साल पहले खो चुका है, सॉरी 1.5 साल नहीं होगा, कम से कम 7-8 महीना पहले ये मोबाइल नंबर खो चुका है। और यहाँ देख सकते हो आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा, फिर आपका डीजीमेल आईडी दिखाई देगा, यहाँ सीएससीआईडी, यहाँ आपका डीओबी दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ देखो कि सबसे पहले यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन है, प्रोफाइल में एक बार क्लिक करोगे तो यही वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखोगे एक अलर्ट दे रहा है कि कैंडली अपडेट योर पैन बैंक डिटेल्स केवाईसी अपडेट सिलेक्शन। उसके बाद हम देखते हैं केवाईसी में क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पर केवाईसी में जैसे ही क्लिक करोगे केवाईसी अपडेट में, तो यहाँ देख सकते हो एक मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी का ऑप्शन है, साथ में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का, पर्सनल में देख सकते हो पर्सनल डिटेल्स में नेम, जेंडर, डीओबी और यहाँ बैंक डिटेल्स। तो अभी हम क्या करेंगे, तभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक डिटेल्स चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब बैंक डिटेल्स केवाईसी करेंगे। तो यहाँ बैंक डिटेल्स में क्लिक करते हैं, यहाँ आपका नाम शो करेगा, यहाँ आपका केवाईसी का नाम शो करेगा और यहाँ आपका अकाउंट होल्डर नाम, मतलब बैंक अकाउंट में आपका क्या नाम दिया गया है वही नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो यहाँ अकाउंट नंबर में जो भी नाम है बैंक अकाउंट में वो यहाँ नाम टाइप करना है, चलिए नाम टाइप कर देते हैं। फिर यहाँ आपका आईएफएससी कोड टाइप करना है, अगर आपको पता नहीं तो आप अपने पासबुक में देखिए या फिर चेकबुक में देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ डाल देते हैं। अब जैसे ही डालोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक जो आपका ब्रांच लेके आ जाएगा, कहाँ पर ये ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर देना है, सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट वो सिलेक्ट कर देना है। फिर एक कैंसिल चेक आपको अपलोड करना है, ब्राउज में क्लिक करोगे और कैंसिल चेक यहाँ अपलोड करोगे,
चलिए यहाँ हम सेव करके रखे हैं, ये रहा, ये देखा कैंसिल चेक यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पैन डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो पैन में क्लिक करोगे, इंडिविजुअल में अगर आपका इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, अगर कंपनी का है तो कंपनी, तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पैन नंबर डालना पड़ेगा, तो चलिए पैन नंबर भी डाल देते हैं, चलिए जो भी पैन नंबर है वो डाल देते हैं, AOU। तो यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डाल देना, पैन नंबर हाइड कर दिए थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई में क्लिक करोगे, अब जैसे वेरीफाई में क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए पैन वेरीफाई सक्सेसफुली नेम मैच, ये 100% हो गया। अगर आपका 100% नहीं हो रहा है तो अपडेट नहीं कर पाओगे, तो ये चेक कर लेना, मतलब पैन में जो नाम है और अकाउंट में जो नाम है वो मैच होता है, ठीक है। उसके बाद आपको अपडेट में क्लिक करना है। अब जैसे अपडेट में क्लिक करोगे, अब जैसे ही अपडेट में क्लिक करोगे तो यहाँ ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ देख सकते हो सक्सेसफुली पैन एंड बैंक डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, ये लिख के आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये तो पैन डिटेल सक्सेस हो गया, मतलब बैंक डिटेल्स। अब यहाँ KYC में फिर से क्लिक करते हैं, अब यहाँ क्लिक करते हैं मोबाइल एंड ईमेल में। अब जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हो यहाँ मोबाइल नंबर नया डाल सकते हो, फिर ईमेल आईडी नया डाल सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, नया मोबाइल नंबर डालेंगे। अब यहाँ देख सकते हो दूसरा मोबाइल नंबर डाल चुके हैं, ठीक है। अगर आपका बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं किया हुआ है तो ये सारा ऑप्शन नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, पहले आप अपना बैंक डिटेल्स अपडेट करोगे, फिर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो तो चेंज करोगे, या फिर ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो। चलिए हम मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, अब सेंड OTP में क्लिक करते हैं। आप इसी मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ डाल के वेरीफाई में क्लिक करना है। तो चलिए OTP देख लेते हैं कब तक आ रहा है, उसके बाद वेरीफाई में क्लिक करते हैं। मोबाइल में OTP आ चुका है, चलिए मोबाइल वाला OTP जो भी आया है उसे डाल देते हैं। टाइम दिया गया है 8:05:42:49। अब यहाँ वेरीफाई में हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे वेरीफाई में क्लिक करोगे ये वेरीफाई हो जाएगा, मतलब आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ देख सकते हो मोबाइल नंबर भी अपडेट हो जाएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली। अगर आपको ईमेल आईडी अपडेट करना है तो ईमेल आईडी डालोगे, सेंड में क्लिक करोगे, फिर OTP आएगा ईमेल में, वो OTP डालोगे, हो जाएगा। आप यहाँ हम क्या करेंगे, अपडेट में जैसे ही क्लिक करोगे ये अपडेट के लिए रिक्वेस्ट जा चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम KYC में क्लिक करेंगे। अब तो ये वाला काम हो गया, पहले तो बैंक डिटेल्स अपडेट कर दिए, फिर यहाँ मोबाइल नंबर कर दिए, अब यहाँ KYC डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ देखोगे KYC, जैसे कि ये मस्त है और 15 जनवरी तक आपको कर लेना है। अगर 15 जनवरी तक आप नहीं करोगे तो होगा क्या, आपका CSA ID हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट हो सकता है, बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी आप सबको पता होगा CSA ID बंद कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी वेरीफाई चल रहा है कि किस पंचायत में, किस विलेज में या फिर किस पंचायत में कितना आईडी चल रहा है, कौन कौन सक्सेस है, मतलब काम कर रहा है, और ये जो काम नहीं कर रहा है उसका आईडी हमेशा के लिए बंद किया जाएगा फिर से, क्योंकि इस साल फिर से बहुत ही जल्द लगभग 1-1.5 महीने बाद ही नया CSA रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पांचों डॉक्यूमेंट में से जो भी आपके पास वो सिलेक्ट करोगे, जैसे कि आधार कार्ड सभी के पास होगा, आधार कार्ड सेलेक्ट किए फिर यहाँ चॉइस फाइल में क्लिक करोगे। अब आधार कार्ड अपलोड करना है, और याद रहे आधार कार्ड आपका दोनों साइड होना चाहिए, स्कैन बैक साइड और फ्रंट साइड, और साथ में 80 KB से कम, 10 KB से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब 75 KB अपलोड कर सकते हो और 10 KB से कम ना होना चाहिए। तो चलिए हम ये आधार यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ देख सकते हो आधार सेलेक्ट कर चुके हैं, यहाँ ओपन में क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हो आधार कार्ड शो कर दिया, ठीक है, दोनों साइड। तो इसी तरह से आपको दोनों स्कैन करके रखना है कलर में, ये नहीं कि जेरेक्स अपलोड करना है। अब यहाँ अपडेट में जैसे ही क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है रिक्वेस्ट अपडेट दी एप्लीकेशन इज प्रोसेसिंग इन पेंडिंग फ्रॉम QC। अब यहाँ देखोगे कुछ दिन बाद, लगभग 24 घंटा या 48 घंटे के बाद आपके मेल आईडी में मेल आ जाएगा कि आपका अपडेट हो चुका है, जो भी है उस तरह का मेल आ जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं अकाउंट में, एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है। उससे पहले ये वाला चीज दिखा देते हैं, मान लो KYC में हम क्लिक करते हैं, फिर से अगर आपको DOB वगैरह चेंज करना है, कुछ भी नेम DOB जेंडर, तो वो भी कर सकते हो। यहाँ देखोगे DOB में अगर सेलेक्ट करोगे तो DOB डालना है, अपडेट में क्लिक करना है, वो हो जाएगा। अब देखिए अकाउंट में फिर से हम क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ देखोगे अगर आपका DGmail का आईडी भूल चुके हो तो यहाँ से क्लिक करोगे DGmail, नया पासवर्ड यहाँ लगा के, मतलब टाइप करके अपडेट में क्लिक करना है, ये अपडेट हो जाएगा। अगर CSA ID तो वैसे ही फॉरवर्ड कर सकते हो जहाँ से लॉगिन होता है, तो DGmail का पासवर्ड यहाँ से नया पासवर्ड बना सकते हो। फिर से हम प्रोफाइल में क्लिक करके देखते हैं, ये रहा आपका पूरा बैंक डिटेल्स यहाँ शो करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी अभी KYC किए तो ये शो कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था। अब डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं, तो यही था पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर, आपको पता चल गया KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, DOB कैसे चेंज करना है, मोबाइल नंबर कैसे चेंज करना है, ईमेल आईडी कैसे चेंज करना है, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिला। और एक चीज जो खास है, सबसे ज्यादा खास, अगर आपको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है CSE का, तो यहाँ सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया गया है सर्टिफिकेट का ऑप्शन में, आप क्लिक करोगे
तो यहाँ आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा। यहाँ देख सकते हो फोटो नहीं रहेगा लेकिन आपका नाम DOB आपका लोकेशन का एड्रेस रहेगा और यहाँ प्रिंट कर सकते हो चाहे सेव कर सकते हो। चलिए हम सेव करके रख लेते हैं और जिसका है उसको दे देंगे। चलिए सेव कर लिए। कुछ इस तरह से आप सेव भी कर सकते हो, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में उम्मीद करता पूरी जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी अच्छा जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक करके जाना, और भी इसी तरह की जानकारी चाहिए तो चैनल से जुड़ सकते हो। मिलते फिर एक नए वीडियो में नेटिव के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।